मुरादाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। खास बात यह है कि ये पुष्प वर्षा मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। पूरा मामला कटघर इलाके का है। पुष्प वर्षा कर मुस्लिम समाज के लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया है। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्पों की बारिश की। यूपी के मुरादाबाद से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। गंगा जमुना तहजीब का यहाँ पर संदेश दिया गया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प की वर्षा की है। तो ये एक अनोखी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से सामने आई, जहाँ पर लगातार आप देखने को ये मिलता है कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाइयाँ होती हैं और हमेशा जो इनके धर्म है इसको लेकर के भी कई बातें कही जाती हैं। लेकिन ये अनोखी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से सामने आई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अनोखी तस्वीर। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की। जो कांवड़िए पहुँच रहे हैं, जो कांवड़िए जा रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, इन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की। यूपी के मुरादाबाद से ये तस्वीर, और ये तस्वीर काफ़ी अहम मानी जा रही है, काफ़ी अच्छी तस्वीर। ये आप देख सकते हैं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है और मुस्लिम समाज के लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं।